स्टूडेंट, मैं विभू मिश्रा अब जो है लेकर आ गई हूँ क्लास नाइन्थ का जो है साइंस टू। आज साइंस टू का ये फर्स्ट लेसन है, लेसन नंबर सिक्स से जो है साइंस टू स्टार्ट होता है। सिक्स से जो है आपका टेन तक साइंस टू आता है, उसके बाद लेसन नंबर फिफ्टीन से लेसन नंबर 18 यहाँ तक ये सब साइंस टू है। और इसमें फर्स्ट से लेके लेसन नंबर वन से लेके लेसन नंबर फिफ्थ तक साइंस वन होता है, फिर जो है 11 से लेकर 14 तक जो है ये भी साइंस वन होता है। तो ये आपके बुक में ही साइंस वन और साइंस टू करके डिवाइड किया गया है। तो मैं आज आपको साइंस टू का पहला, एक तरीके से बोला जाए तो पहला लेसन ही होगा, ये छठवें से स्टार्ट है, जिसका नाम है वनस्पतियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हाँ, तो यहाँ पे वर्गीकरण क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण मतलब यह कि क्लासिफिकेशन। मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करना, उसको सही क्रम में विभाजित करके रखना। जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा देती हूँ, कि उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं पूरा जो है साइंस टू का आपका पूरा वीडियो बनाकर जो है अपने इस चैनल बेसिक क्लास पर अपलोड करने वाली हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड। तो इससे क्या है कि हमारा जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है वीडियो पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि आपके घरों में बर्तन धुले जाते हैं, तो बर्तन को धोने के बाद हम लोग ऐसे बर्तन को बिखेर नहीं देते हैं, हम लोग बर्तन को एक सिक्वेंस में रखते हैं, एक क्रम से सही तरीके से रखते हैं। थाली वाले सेक्शन में थाली रखेंगे, कटोरी वाले में कटोरी, ग्लास वाले में ग्लास, कप में कप रखते हैं, चम्मच में चम्मच रखते हैं। तो ये सिक्वेंस जो है रखने का जो होता है वो इसको क्लासिफाई करना एक तरीके से कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, इस क्लासिफिकेशन मतलब ये यही चीज़ आपको यहाँ पे भी कि वर्गीकरण का क्या होता है। तो यहाँ पे आपके बुक में जो दिया है, आज इस लेसन में आप पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में, उसका उपजगत मतलब इसको फाइलम बोलते हैं प्लांटी, उपजगत जो है अबीजपत्री और उपजगत जो है बीजपत्री, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप 11वीं 12वीं में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे केवल थोड़ा सा परिचय है। तो सजीवों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है, सजीव दो भागों में बांटे जाते हैं, एक आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आपने 8वीं में पढ़ा है, पहला लेसन है। दृश्य केंद्र की को दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, और आदि केंद्र की केवल मोनेरा तक जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कोशिकी की प्रोटिस्टा तक जाके स्टॉप हो जाता है, लेकिन बहुकोशिकी जो होता है वो फिर से दो भागों में विभाजित होता है, कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति विहीन, ठीक है फ्रेंड। फिर से जो है कोशिका भित्ति युक्त जो है प्राणी वर्गी पर जाकर स्टॉप नहीं होता है, यहाँ पर इसका विभाजन और लंबा होगा, लेकिन अभी यहीं तक समझिए। और कोशिका भित्ति युक्त जो है ये दो भागों में विभाजित होता है, स्वपोषी प्लांट और परपोषी प्लांट। अब ये प्राणी वर्गीय आपको 10वीं में डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल में आप 10वीं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ को शॉर्ट में आपको वर्गीकरण का थोड़ा सा एक जो है डेमो है कि इस तरीके से किसी भी चीज़ को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट व्हिटकर ने 1969 में इन्होंने प्रतिपादित किया था, जिसे पंच जगत वर्गीकरण पद्धति इस नाम से दिया था, और उसके अंतर्गत जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इन्होंने आपने इसका अध्ययन किया है, 8वीं में किया है। तो हमारे आसपास के परिसर को हरा भरा रखने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, इसमें क्या क्या सीक्रेट्स हैं, रहस्य छिपे हैं, उसमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी डिससिमिलरिटी है, कौन सी विभिन्नताएँ हैं, डिफ्रेंसिएशन है, ये सारा हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम किंगडम जो है प्लांटी पढ़ने वाले हैं। तो वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले कौन से विशेष अंग उसे प्राणी कोशिका से भिन्न ठहराते हैं, ऐसा क्या होता है कि वो प्राणी कोशिका से भिन्न होते हैं, ये आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारी वनस्पति कोशिकाएँ में ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि प्राणी कोशिकाओं से उन्हें अलग बनाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्र की कोशिकाएं होने वाले स्वपोषी सजीवों के समूह को वनस्पति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक हो गया कि कोशिका भित्ति युक्त दृश्य केंद्र की कोशिकाएं होने वाले स्वपोषी
या स्वयंपोषी सजीवों के समूह को वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, वनस्पतियां पर्ण हरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यानी कि क्लोरोफिल को इंग्लिश में, हिंदी में पर्णहीन कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके लिए वे स्वपोषी बनी हैं। वनस्पति जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन और सभी जो प्राणी होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम और आप, प्लांट से ही हमें अनाज फल मिलता है तो हम खाते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये वर्गीकरण का बेसिस क्या, आधार क्या है, किस बेसिस पर ये वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले वनस्पतियों के अंग हैं या नहीं, ठीक है, इस पर विचार किया जाता है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद पानी में रहते हैं और पानी तथा भोजन का वहन करने के लिए, मतलब वो भोजन ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र ऊतक है या, इस पर विचार करते हैं। फिर वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, इस पर विचार करते हैं। अगर उनमें बीज है तो फल से ढका है या नहीं, इस पर विचार किया जाता है। और अंततः बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वनस्पतियों को अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ध्यान में रखकर वनस्पतियों का क्या है, वर्गीकरण किया जाता है। तो वनस्पतियों के उच्च स्तरीय वर्गीकरण में, मतलब सबसे हाई लेवल का जब क्लासिफिकेशन होता है, तो उसमें फूल फल बीज का आना या ना आना, इन सब का आधार पर बीजपत्री तथा अबीजपत्री, बीज फल से ढके होने या न होने के आधार पर अबीजपत्री और अनावृत बीजी तथा बीजों में पाए जाने वाले बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब इतनी सारी बातें होती हैं उनको ध्यान में। अब देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि दाल होता है चना का, तो उसको जब हम उसका ऊपर का छिलका हटाते हैं तो उसमें दो चीज़ें दिखाई देती है, चना को तोड़ते हैं तो दो पार्ट में टूट जाता है और उसका दाल बनता है, तो उसमें दो भाग होते हैं। लेकिन आप मक्के को देखिए, मक्के को तोड़ेंगे खोलते हैं तो उसमें दो भाग नहीं होता, उसका हर दाना अकेला रहता है। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, ये सब चीज़ें मैटर करती है। जैसे आप देखेंगे कि आम है, आम का सीजन है, तो आम देखिए, आम का जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है और उसके ऊपर एक कवर लगा होता है। ये सारी चीज़ें भी बीज फल से ढके रहते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स की वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक HT जो 1883 में वनस्पति जगत में उपसृष्टियों में वर्गीकृत किया, और उसके अनुसार अबीजपत्री तथा बीजपत्री इन दो भागों में डिवाइड किया, और वनस्पति का जो है, वनस्पतियों का वर्गीकरण करने का सबसे पहला श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है वर्गीकरण करने की प्रक्रिया। तो अगर एक लाइन में वर्गीकरण की परिभाषा देनी है तो ये बोल सकते हैं कि नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, अब जीवों के नामकरण एवं वर्गीकरण तथा उसके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी अथवा वर्गीकी या सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी की स्पेलिंग हो जाएगी वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, ये आपको GK के तौर पे जाना जरूरी है, वर्गीकी या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ये वर्गीकरण का ये चार्ट बता दिया है, कैसे वर्गीकरण होता है। अब यहाँ प्लांट के बारे में भी बता दिया है। यहाँ पे देखिए, प्लांट्स का एचेट ने सन 1883 में वर्गीकृत किया था, तो पांच जगतों में बांटा था। आठवें में पढ़ा है थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हाँ पांच हो गए। और ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है, ये मिलकर फेनेरोगैम्स जो है बनाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सब क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है मैं आज इतना ही आपको पढ़ाऊंगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है उपजगत, जो है अबीजपत्री वनस्पतियाँ, क्रिप्टोगैम्स। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जरूर देंगे।
ऐसा मुझे विश्वास है। और आप जो वीडियो को पॉज करके जो मैंने वर्गीकरण की परिभाषा बताई है उसको लिख लेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि मैंने क्या परिभाषा बताई है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।